मेरे जो पहला सवाल इंतहाब संधि पे था उसमें कुछ मजीद मैं पूछना चाहता हूँ, पहले में मजीद इजाफा चाहते हैं, फरमाइए जी। हुजूर जो मुसलमान, आपको क्यों नहीं ख्याल आया, दो तीन चक्कर हो चुके हैं जी। हुजूर मैंने अब बारी दोबारा आई तो मेरे पास सवाल इसमें के बाद आपकी बारी दो दफा आ चुकी है जी। हुजूर मैंने मेरे पास दो और सवाल थे, अब ये चौथा। हुजूर वो ये कि जो इन मुमालिक में जहाँ पर इंतहा पसंद गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर मुसलमान आबाद हैं, मसलन हिंदुस्तान में बहुत बड़ी अकलियत है मुसलमानों की, उनको आया अगर इंतहा पसंद हुकूमत आ जाए पावर में तो उनको आया स्टेटस को के साथ चलना चाहिए या उनको कुछ पॉजिटिव इकदाम करने चाहिए अपने बेहतरी के लिए? समझ नहीं आ रहा, जवाब मैं कहाँ से दूंगा। हजूर जो मैं मिसाल बताएं, हजूर मसलन इंडिया में क्या नक्शा क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? हजूर मसलन इंडिया में चांसेस हैं कि अब वैसे तो वो गवर्नमेंट चेंज हो गई जो आ रही थी, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट आ जाए जो इंतहा पसंद है और मुसलमानों के खिलाफ उनके स्टेटेड हैं एम्स कुछ, वो अगर पावर में आ जाए तो मुसलमानों के लिए शायद वहाँ पर जीना काफ़ी मुश्किल हो जाए, उनको इसको काउंटर कुछ करना चाहिए या किस तरह से वहाँ बसना चाहिए? खिलाफ पाकिस्तान में इंतहा पसंद गवर्नमेंट आई है कि नहीं जी। जितना जीना आपके लिए उन्होंने मुश्किल किया उतना हिंदू नहीं करेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। टेढ़ा चलने की जो बिगड़े हुए उलमा में ताकत है ना, उतना दुनिया की किसी कौम में नहीं। तो जहाँ हमने सब्र से दिन काटे वो भी सब्र से काटे फिर, ठीक है जी। आगे ज़हूरे महबीए आखिर ज़मान